हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आपको बहुत सारी बधाइयां हो। इंटरनेशनल अर्थ डे है और कोरोना वायरस के चलते सब जगह पूरे देश में लॉकडाउन है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन अगर कोई हुआ है तो वो हमारे देश में हुआ है। इसके चलते कोविड तो कंट्रोल में आ ही रहा है, उसके लिए सारे ही तंत्र लगे हुए हैं कंट्रोल में करने में, लेकिन साथ ही साथ जो हमें फायदा हुआ है वो ये है कि इस दौरान पॉल्यूशन में बहुत कमी आई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि न हम बाहर जा रहे हैं, न पेट्रोल का यूज हो रहा है, न कोई कल कारखाने काम कर रहे हैं, तो वाटर पोल्यूटेड वाटर नहीं निकल रहा, पोल्यूटेड एयर नहीं निकल रही है और एनवायरमेंट को शांति मिल रही है। एक सिर्फ पशु पक्षी और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आसपास आती। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करती हूं कि पूरी दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम लिए जाते हैं, उसमें से 14 सिर्फ हमारे देश में है, ऐसा मैंने रिसर्च में पढ़ा। और उसमें दिल्ली का भी नाम आता है, तो दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, वहां पर इतनी ज्यादा प्रदूषित हवा हो चुकी थी कि इसे सांस लेने योग्य भी नहीं करार दिया गया था। अब वही है, वही दिल्ली है जो कि प्रदूषण इतनी बुरी तरह से कर्व हो चुका है कि अब ब्रीदेबल और एवरेज एयर में शामिल हो चुका है। इंडिया गेट जो पहले धुंधला दिखाई देता था अब बहुत साफ दिखाई देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मुंबई की NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के कम यूसेज, जो कि सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल की यूज की वजह से निकलता है, मुंबई में बहुत कम हो गया है। तो मुंबई का वातावरण बहुत साफ हो गया है, हवा बहुत साफ हो गई है, बहुत दूरी तक की चीजें देखी जा सकती है। इनफैक्ट जलंधर के भी कुछ एक पिक्चर्स वायरल हो रहे थे जहां पर वो उनको हिमालयन रेंज दिख रही थी, जो कि शायद 30-40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था, जलंधर के लोगों ने पहली बार देखी होगी। क्योंकि सारी इंडस्ट्री बंद है, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद है और लोग का आना जाना भी बंद है लॉकडाउन की वजह से। पर्यावरण पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, पोल्यूशन कम हो गया है, हवा साफ हो गई है और सब जगह जंगली जानवर पक्षियाँ वगैरह सब जगह घूम रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कहता है कि ऑलमोस्ट 70-80% डाउन हुआ है एयर पोल्यूशन। अगर मैं वाटर पोल्यूशन की बात करती हूँ तो गंगा और यमुना के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है और यमुना में तो झाग और दुनिया भर की चीजें जो कि बहुत ही गंदी लगती है देखने में, लेकिन अब पानी बहुत साफ हो गया है कंपैरेटिवली। अगर गंगा की ही बात करूं तो पहले हरिद्वार में जो पानी दिखाई देता था उसको पीने लायक नहीं कहा जाता था, लेकिन अब हरिद्वार में जो गंगा का पार्ट है वो पीने लायक पानी उसमें बताया जा रहा है। भारत देश की डेटा एनालाइज करेंगे तो इस लॉकडाउन की वजह से एयर प्रदूषण बहुत ही कम हो चुका है, पानी का प्रदूषण भी बहुत कम हो चुका है, गंगा नदी यमुना नदी भी साफ हो चुकी है और बैंगलोर के जो लेक्स हैं जो हमेशा प्रदूषित रहते हैं वो भी साफ हो गए हैं। फ्रेंड्स, फिल्मी खिचड़ी पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंटरनेशनल अर्थ डे के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां।